45,000 स्क्वायर फीट। 9 दिन में जाले लग गए सफाई कर दो। और यहाँ पे अब काम चालू होने वाला। टाइम चेक 9। बहुत तेज तेज हवा चल रही है। नमस्कार के तो यार मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया है। पानी आ गया बहुत तेज और अब ये बैंक्वेट के नीचे यहाँ नाच रहे हैं क्या। हाँ भाई विनय कैसा लग रहा है भोपाल में? मैं तभी आ रहा हूँ जब मैं एकदम गंदा सा बना हूँ। अभी अभी चकाचक करने लाया हूँ। एक बार इस लड़के ने मुझे वीडियो में नहीं लिया। तो भाई इसी के साथ ये व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिस मी लाइक साइन इन विद द डेड बिट टॉक्स। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सब अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। बिल्कुल नहीं मिल रही, वो खोज ले रहे होंगे। रट्टा ही है, रट्टा नहीं है बेसिक। विनय कल आया था, रात की ट्रेन थी, वो बोलता मैं भोपाल घूम के जाऊंगा, अब मज़ा आ गया अगले को। तो घुमा रहे हैं, अब कपड़े तो लाया नहीं था तो पहले इसको सजवा दें। तो हमारे साथ चोट हो गई, हम आए नहीं मास्क लेके और तीन हम ये बाहर खड़े हैं। बहुत देर रख नहीं सकते बाहर खड़े हैं हम, क्योंकि ये भाई लोगों ने हमको मना कर दिया। फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद अब विनय भाई को टी शर्ट दिलवा रहे हैं और हम यहाँ कांच के इस पार खड़े होके चॉइस करवाएंगे अब टी शर्ट को। पहन लिया भाग जाओगे लेके ऐसे। अब मैं सही लग रही है, यही स्कैन कराऊंगा, ऐसी डीलिंग कराऊंगा, बताऊंगा नहीं। ले ली लड़के टी शर्ट, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। अब मुझे सजा दिया, अब मुझे खिलाओ। चलो सजा के खिला पिला के फिर मुझे रवाना कर देंगे। हाँ भाई विनय, ये है भोपाल का लेक। ये लेक नहीं है भाई साहब, ये मिनी समुंदर सा लग रहा है। यही है वो जो 35 किलोमीटर का है ना। रोको रोको जरा बाहर चलेंगे ना अभी। हाँ आगे आगे ले चलते हैं। अच्छा वाला दिलवाता हूँ, खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये भी 35 किलोमीटर का टोटल में। नदी होगी ये पागल। नहीं नहीं तालाब है, नदी नहीं है तालाब। बड़ा तालाब बोल ये बारिश से ही भरता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है ये। तो दिख रहा था बारिश का पानी। हाँ ये बारिश का ही तो दिख रहा है तुम्हें, दिख क्या रहा है ये? ये बड़ा तालाब बोलते हैं। तो ये गर्मियों में सूखता भी होगा फिर? सूखता है ना, जमीन दिखती होगी पूरी। वो भैया रिच किड्स भोपाल कहाँ से आ गए? अरे अरे कौन भाई लेके जा रहे भाई? भाई साहब क्या हुआ, खत्म हो गया इनका क्रेटा अभी भी। बोलो दो तीन गाड़ियों का ही कॉन्वॉय था। तो अभी अपन तेरा व्यू लेते हैं देख। हाँ बेटे आओ कैमरा ऑन करो, मैं तो भाग खड़े हो एक बार। हाँ ये हो गया, वो देखिए भागम भाग। हाँ पानी कितना गहरा है इसमें को... नहीं नहीं भागम भाग बोलती है लार दत्ता। ये पानी कितना गहरा है, अगर कोई इसके अंदर डूबेगा तो उसकी सांसें बंद हो जाएंगी और पानी जो अंदर जाएगा। और गोविंद देख रहा है क्या बोल रही है। ऐसी है फिर भी लेक साफ है बहुत। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भोपाल की लेक है तो वैसे समुंदर ही। समुंदर पर रोड पे आ जाता है हमारे पास लेकिन अच्छा है। आप ऐसे करके छू सकते हैं यार, मेरा काम धंधा सेट कराओ तुम कहीं छोटे शहर में, मैं नहीं रह सकता दिल्ली में, मैं परेशान हो चुका। हाँ ये ओपन थिएटर यार, मैंने ये पहले कभी नहीं दिखाया। वहाँ से ड्राइव इन होके अंदर आते हैं, वहाँ गाड़ी लगाओ, कुर्सी पे बैठना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं दिल्ली की जनता से दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो भी देख रही है या दिल्ली के बाहर की जिनके यहाँ ये नहीं है, वो देख के जले ना, बराबरी करें। आज नहीं तो कल आपके शहर में भी ये होगा। तो अभी आए अपन अशोका और अशोका भाई को खिलाने के। ये आइडिया भी दे रहे हैं, ऐसे आप अपनी डिक्की को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही। चलो भाई चलो गाइस, हम आ गए हैं, कहाँ हैं? मध्य प्रदेश टूरिज्म के अशोका होटल। मध्य प्रदेश टूरिज्म के अशोका होटल में जिन्होंने एक छलावा कर रखा है अपने मेन्यू में, भोपाल के नाम पूरा मध्य प्रदेश दिखा रखा है। मैं सुना का भाई भोपाल में जंगल भी है, भोपाल में पहाड़ भी है, झरने भी। मुझे बाद में पता लगा कैसी फोटोज दिखा के। तो कल रात को हुआ यूँ, हम लोगों ने मैंने प्ले करना स्टार्ट करा, बस लोग अभी क्राउड आए थे और उसके बाद हम हम प्रॉपर अनाउंस करते हैं अपने बैंड का, एंट्री लेके सब कुछ करते हैं। मैं कहा 2 मिनट और मैं इनको थोड़ा नचाता हूँ ऐसे, उसके बाद हम प्रॉपर अनाउंस करेंगे और पार्टी स्टार्ट करेंगे। और उस 2 मिनट में हमारी जिंदगी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, घनघोर घटा छाने लगी, तेज हवा आने लगी, पहले गिरी एक बूंद,
तो मैं क्या पता एक ही बूंद होगी, थोड़ी तेज होने को तो हवा से हमें बारिश का एहसास नहीं हुआ। जब तक हमें बारिश का एहसास हुआ, हमारे कंट्रोलर, हमारे लैपटॉप, हमारा साउंड, हमारे इंस्ट्रूमेंट सब गीले हो चुके थे और कल पूरी पार्टी की बैंड बच। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। पता नहीं ये आपके सामने दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा, क्या टाइम ही नहीं था सब रिकॉर्ड करने का। हम अपनी जान बचा रहे थे, हम अपनी जान बचा रहे थे और फिर हमने पार्टी कंटिन्यू करी हॉल में 2 घंटे बाद। एक छोटे से हॉल में 2 छोटे स्पीकर लगाए, लेकिन वो भी हमने 2 घंटे तक ना चाहा। और उसके बाद मेरे को रात को जाना था वापसी, लेकिन भोपाल मुझे इतना पसंद आ गया मैं रुक गया आज। और अब हम यहाँ कुछ खाने आएंगे और आज मैं रात को वापस जाऊँगा। ये थी मेरी एक दुख भरी कहानी। मैं एक छोटा सा हॉकी का खिलाड़ी था, एक टांग निकली थी और मुझे तो अभी तक पैसे भी नहीं मिले गाइस। तो अगर गाइस आपको इसीलिए तो खिला पिला रहे हैं जिससे बकरा हलाल कर सके। हाँ, ताकि बोले खिला पिला दे, छोड़ो पैसे वैसे का क्या है तुम्हारा, तो अगली बार देख। भाई पानी गिर गया ना। हाँ। पानी गिर गया यार आपको मेरा। तो गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि जब ये लोग दिल्ली आए थे तो मैं इनको एक बहुत ही प्यारी जगह लेके गया था जो मुझे बहुत अच्छा खाना हमेशा देते हैं, और उस दिन बहुत ही वाहियात खाना था और मेरी इज्जत का फालूदा हो गया था। और तब से मैं इनके सामने खाने के मामले में मुंह ऊपर नीचे झुका के चल रहा था, और आज हिस्ट्री रिपीट हुई। ये लोग मुझे लेके आए ऐसी जगह पर, जगह बहुत अच्छी है और इनको अच्छा खाना देती थी, लेकिन आज दिया है एकदम नल्ला खाना। तो आज मैं सर उठा के इनके सामने चल सकता हूँ साहब, बराबर। समय बलवान है, समय का पहिया घूमता है। कर्मा इज अ बिच, नए आया बोले। इग्नोर द पीपल, इग्नोर द पीपल। भोपाल में गोवा वाली फीलिंग, ये लोगों के चेहरे अगर इग्नोर करो तो थोड़ा सा गोवा का फील आता है। स्लाइड है यार भाई साहब, आपका इमेजिनेशन। भाई साहब इस इन पेड़ों को देख के कसौल की फीलिंग। क्योंकि मौसम अंदर ठंडा है ना। अरे तो कहते हैं ना कि यहीं पे स्वर्ग है, तो वो तेरे को यहीं स्वर्ग ना, थोड़ी देर में कश्मीर नहीं दिख जाए तेरे को किसी के गिलास में बर्फ गिरती हुई दिख। अगर स्वर्ग है तो न्यूजीलैंड में ही है। अरे हम भोपाल में है। अरे भोपाल में भी है भैया, ये ठीक लग रहा है। काम मांग रही है काम, थोड़ा बहुत तो रिन्यूएशन भैया, थोड़ा सेकंड हैंड की काम लिया। इतना काम इधर वाला है, ये वाला ये ठीक है, विंटेज वो वाला इस लेवल का काम मांग रही है कि उसको तोड़ के सपाट। अच्छा भैया आपके लिए एकदम आगे चल के एकदम ठाव वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं आपके। ये बढ़िया, अरे ये कुछ नहीं है यार, ये देखो राइट हैंड पे आपके यार एकदम ठाव प्रॉपर्टी, थोड़ी चाहिए ये वाली, लाल वाली गाड़ी फ्री देंगे यार। ये नए डिजाइन बेकार है, विंटेज वाले बढ़िया है। फिर भी इसमें ये लाल वाली गाड़ी फ्री है भाई साहब। अच्छा गाड़ी ऊपर तक जाती है, ऊपर छोड़ेगी आपको सीधी, वो वहाँ खड़ी है ना। अब बढ़िया लगा मुझे, अब ठीक लगा। पार्किंग के वो स्लोप देख के बढ़िया लगा, मतलब ये भी बढ़िया है, ये विंटेज वाला, ये वाला भी ठीक है। पुराने वाले ज्यादा बढ़िया है यहाँ के, है ना। नए वाले के जो डिजाइन बने हुए हैं ना, उससे अच्छे डिजाइन तो दिल्ली में, वहाँ तो वो लग रहे कॉम्पिटिशन। वो कहता मैं तेरे से बढ़िया बनाऊंगा, 5-5 साल में कोठी तोड़ देते पूरी फ्लैट, फिर बनाते। मैं कसम से, एक होता है 10 साल का टाइम, 15 साल में टोटो तो समझ आता है आपने कमाया भी होगा। 5-5 साल में ये होता है रेनोवेशन नहीं करते, वहाँ पे रेनोवेशन का वो सीन नहीं है। पीतमपुर साइड चले जाओ, साउथ साइड की जो कोठी है सीधा सपाट बुलडोजर आएगा, और तब तक वो एक रेंट वाले घर में रहेंगे जिसका रेंट होगा 2.5 लाख रुपए महीना। उस घर में रहते हैं वो, 2 साल तक घर बनता है उनका, 2.5 लाख रुपए महीना और 1.5 साल तक घर बनता है उसका। और उसके बाद वो दोबारा शिफ्ट होता है, 5 साल तक रहता है, फिर तोड़ता है, फिर नया घर बनाता है। अब आप आ रहे हो एकदम सीलिंग, थोड़ी सी चीप कॉपी, राजा भोज सेतु, थोड़ी सी चीप कॉपी पर सीलिंग। हमारा तो सिग्नेचर ब्रिज है देखो, आप साइड में देखेंगे तो फील आएगा आपको पूरा सीलिंग वाला। साइड में देखो, सामने देखो, साइड में देखो, सामने खत्म हो रहा है। तो थोड़ी चीप कॉपी बनवाई है ना, ये तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। थोड़ी चीप कॉपी बनवाई है ना भैया, पूरा देखिए। अच्छा, अरे अच्छा हुआ एसी बंद कर दिया, बहुत बढ़िया जगह, अच्छी है। अब आप जाओगे मरीन ड्राइव पे सीधे अपने वहाँ के सीलिंग के बाद बहुत किलोमीटर, फिर मरीन ड्राइव ऐसा नहीं है, सीलिंग उतरे और हम उस पहाड़ से आए हैं। हाँ। जी, और ये हम चल रहे हैं हमारी मरीन ड्राइव। कैसा लग रहा है, बगल में ये पानी, हाथों हाथ लगा सकते हो आप। बारिश के समय पे यहाँ तक आता है रोड तक, ये राजा भोज का स्टैचू। हाँ, और वो क्या महल इसका जो डूबा हुआ, ये वो उसके छज्जे पे तो खड़े हैं वो, आपको दिखेगा यहाँ पे डाल दिया। हाँ, ज्यादा भटकना नहीं पड़े, ऑटो का खर्चा ज्यादा नहीं। ये देखो ये दिख रहा है पिलर, यहाँ दीवार दिख रही होगी आपको, टूरिस्टों को ध्यान में रख के दिख रहा है, वो लाइन से पिलर की कतार है। ये अंदर आगे तक है पूरा, इसके अंदर पूरा महल डूबा हुआ है इनका,
ऐसा बोलते हैं पुराने लोग, आप कितना साचे कितना नहीं। कोई हफ्सी लाओ स्ट्रॉ से पानी सोख ले, सारा मैल दिख जाएगा एक बार में। थोड़ा बहुत तो दिखा है, पानी जब सूखता है तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है तब दिखता है, बाउंड्री देखती है पूरी। अब ये बात भी डूबा, अब ये बात पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है कि महल डूबा है। और ये बोलते तो है क्योंकि हमेशा से डूबा ही हुआ है, ये बाउंड्री है ना। हाँ ये बाउंड्री है, ये यहाँ से टूटी हुई है। यार बोल लगाओ ना ऑक्सीजन सिलेंडर लाके नीचे देखो, गए जरूर गए मिला। ऐसा बोलते हैं कि गए हैं पर वापस नहीं आए वो, ऐसा क्या जो लोग गए हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं, अब भगवान जाने कितनी सच्चाई है। ऊपर सब कुछ गियर के साथ। हाँ हाँ कुछ नहीं मिला उन लोगों को, सरकार ने सब नहीं। भैया राजू टी स्टॉल उसकी जम्मत को रहता है भाई, चाय नहीं जहर है, जहर डार्क चॉकलेट वाला, पता नहीं कैसे झेल रहे लोग इसको। आपका सी कट रहा है फेमस, ओवर हाइप, ओवर हाइप, ओवर हाइप जगह मेरे साथ है ना, नहीं आना ना मेरे से, तो चाय में नहीं पी जा रही यार, क्या करूँ बताओ। मैं ढूंढ के लाऊंगा पहले ही जगह। इन्हीं जगहों के बारे में बताया जाता है। अरे मैं भोपाल में राजू की चाय नहीं पी तो क्या किया, वो जो बताते हैं वो पागल है। मैं ढूंढ के लाऊंगा, गारंटी मेरी अगली बार भोपाल लाऊंगा, टाइम निकाल के तुमको लेके जाऊंगा। ऐसे और अपन तुम बोलोगे अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं यहाँ दिखा सकते हैं, क्या खाना है आज। तो मुझे लग रहा है क्या बोलते बैरागढ़ कल्लू भैया के अंडे पकौड़े खिलाए तो वो भी बुरे लेंगे। अरे मुझे अब कुछ खाना ही नहीं, ये लो एक और जमजम जूस, इसी कमी रह गई थी। ये जूस में नॉनवेज डालता है आज तो बेइज्जती भरपूर हो रही है यार। अब बेइज्जती ज्यादा हो गई, पहले थी बराबर हो गया था हिसाब, अब एक चढ़ गया तो ऊपर एक पॉइंट ऊपर चले गए भोपाल वालों की। चलो गाइस एक पॉइंट अपन कम करवाने की कोशिश करते हैं, रुको करते हैं अभी एक पॉइंट कोशिश करेंगे, अभी रात को अपन बराबर करके हरा के भेज देंगे इसको अपन। पान खिलाया जा रहा मीठा पान, पान का मेहंदी कौन ज्यादा। नहीं नहीं इसके पान रात को 3 बजे तक बिकते हैं यहाँ पे, और ऐसे बेचता है ना कम जे कमरे में, इतना सिर्फ चेरी डाल रखी है वो, देखो कमरा सिर्फ पान बन रहे अंदर वो कमरे के अंदर। अरे मेरे भाई चेरी डाल रखी है आगे बता भाई, सही है कि मतलब और ज्यादा करनी है। इनने भी बेइज्जती कराई क्या, करा दी अब नहीं यार, अरमान भाई तो नहीं कराए होंगे यार, बढ़िया है चेरी ढूंस रखी है। चेरी कौन बना डालता पान में, लो जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में चले जाओ चेरी कौन डालता है। अरमान भोपाल में मेरे समझ आ गया, मैं अमीर बनूंगा भोपाल में, आगे गंदी गंदी चीजें बेचो और फेमस हो जाओ। गजब बेइज्जती है, सुपर मीठा हो रहा है आज तक। हेलो ये तो कितनी बार खा चुकी है, पर आज इसने भी बोल दिया कि आज भाई तेरे को कहीं कुछ खिलाने का वो नहीं है। मैं बता रहा पान के अंदर जो चीज चलती है वो तो है ही नहीं, चेरी ढूंढ सकते हो आज तेरे को कहीं कुछ खिलाने का, चेरी चेरी है वो खा लो, उनका ना चटनी तो है ही नहीं अच्छी जगह पे भोपाल में भी बुरे खाने को मिला। आदमी तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ, तुम आए तभी बुरा मिला, आज भी तुम यहाँ हो इसलिए बुरा मिल रहा है। ये सही कहा, आदमी तू बेकार है भाई, बस बस सारी दिक्कत मेरे में ही है बात। हैंग थ्रू भोपाल ठीक है, मुझे डबल पेमेंट देके घर भेज दो वापस बुलाओ। तुम परिवार कैसे हो यार, मेरी एक दोस्त यही करा अभी आज से 5-1 साल पहले, डांडिया मुझसे करवाया 10 दिन का, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं दी, मजा के करे ऑफिस में बैठे मैं यार जाना आज पेमेंट करवा दे, पेमेंट यू आर फैमिली ब्रो, ओ हेलो 10 दिन मराई है मैंने, हमने तो एक ही दिन लिया। सही बात है आप उतरो मैं अकेले खा के देखता हूँ। समोसा तो अकेले ही खाया था मैंने तो, मतलब खराब ही मिल रहा है समोसा तो भाई अकेले ही खाया था मैंने तो, हाथ भी नहीं मारा मैंने, साथ में तो थे परछाई तो पड़ी, मैं यहाँ खड़ा हो गया कुछ परछाई तो, आज तो बेकिंग शेक वाला भी मर जाएगा मेरे ख्याल से, भगवान की कसम इतना खौफ हो गया ना। और क्या पता वो डर जाए आज अगर उसका पता उसको खराब सामान हो बोले आज नहीं खिलाऊंगा, 5 आउटलेट है उसके टोटल में, बता देगा यहाँ से मत खाओ दूसरे पे खा लो आज खराब है यहाँ पे। आज मेरे को लगता है तुम्हारे मिनीसो है, मिनीसो मिनीसो है ना भैया, नहीं मिनीसो तो है ही गरीबों का,
भागो है हम पे, छोटा है लेकिन बड़ा नहीं खुलवाया इसलिए हमें गरीबों का। मिनीसो में मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी मिनीसो ब्रांड की बुराई करने वाला हूँ, मिनीसो ब्रांड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो काम की हो, डिमांड लेस चीजें हैं और वो सिर्फ बिकती इसलिए लड़कियां लेती है तो क्यूट बस। एक भी चीज नेल मतलब नेल कटर का कवर मिलता है वहां पे। आप शर्ट लेके जा, शर्ट होती है ना, शर्ट आप हैंगर में डालोगे उस हैंगर का कवर मिलेगा, ये चीजें मिलती है वहां पे जो कभी कोई खरीदना चाहता नहीं है, मतलब भाई भाई भाई। बनाते क्यूट है तो। अरे शर्मा विष्णु ट्राई करने यार वहां तो क्या मिलता है शर्मा विष्णु पे भाई, सब कुछ मिलता है और सब अच्छा मिलता है। नहीं नहीं मत, और आज कर, एक अच्छा शब्द प्रयोग करो ही मत, आज मत कर। भगवान जान अगर इसके यहाँ भी आज खराब मिला तो भाई साहब तो मुझे ट्रेन से पहले छोड़ दे। अभी शाम को चलेंगे ना, मंदिर ये ठीक था ना, ये चीज बढ़िया थी।